मित्रों, मैं सबसे पहले डॉक्टर पांड्या जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमारी फैकल्टी को सम्मानित किया। हम उनके बड़े कृतज्ञ हैं। किसी के लिए भी टाइटल लिखना बहुत आसान काम नहीं है। जिसने भी ये रूपरेखा बनाई, टाइटल में समय लगाया, लोगों के बारे में जानकर कुछ शब्दों में उनके बारे में कहा और जो समय लगाया, सच में वो धन्यवाद के पात्र हैं। सकारात्मक विचार अगर सच में रखा जाए तो सारी व्यवस्था अपने आप चलती है। जब जो होना है तब होगा। अगर हम अभी से उस विषय पर नकारात्मक विचार बना लें तो हमारे हाथ पैर चलने मुश्किल हो जाते हैं। और हम ये मान के चलें कि सब चीज़ सही होगी, तो जब तक उसका परिणाम नहीं मिलेगा तब तक आप स्वस्थ प्रसन्न रहेंगे और ताजगी से भरे रहेंगे, उस कार्य को करते रहेंगे। ये सकारात्मक विचार ही है जो इस सारी व्यवस्था को चला रहा है। और इसके साथ साथ हमने आपके साथ जो किया, आपकी जो हमें शुभकामनाएँ मिली, हम मरीजों की चिकित्सा करते हैं, मरीज ठीक होकर जो हमें साधुवाद इस परिसर को दे के जाते हैं, इस पूरे परिसर में वो साधुवाद ही इस पूरे परिसर की व्यवस्था, सुरक्षा और शांति बनाए हुए हैं। पिताजी ने मुझे प्राकृतिक चिकित्सा की मशाल दी कि मैं प्राकृतिक चिकित्सा को आगे बढ़ाऊं। उन्होंने जो मुझे 20 वर्षों में सिखाया, मैंने पूरी कोशिश की कि आपको 2 महीने में सिखा दूं और अपनी सारी बातें आप में उड़ेल दूं। आपने भी बहुत अच्छा जब्त किया, बहुत अच्छा सीखा, मेरी उम्मीद से ज़्यादा आप लोगों ने पाया और आप लोगों ने जब्त किया। और मैं उपयुक्त समझता हूँ कि आप भी उस मशाल को आगे ले चल के जाने के लिए तैयार हो, और वो मैं आपके मशाल हाथ में सौंपता हूँ कि आप इसी तरह प्राय चिकित्सा का प्रचार और प्रसार करते रहो। आप जिस शहर में जाओगे, पहले तो ये साबित करना होगा कि आप प्राय चिकित्सक हो। दूसरी बात, आपको प्राय चिकित्सा बतानी होगी कि लोग प्राय चिकित्सा जाने कि प्राय चिकित्सा क्या है। अगर वो प्राय चिकित्सा जानेंगे तब आपसे प्राय चिकित्सा की सेवाएं लेने आएंगे। तो प्राय चिकित्सा जाने इसके लिए आप स्कूलों में जाके लेक्चर दो, क्लब्स में अपॉइंटमेंट लेके क्लब्स में लेक्चर दो, अखबारों में अपने आर्टिकल छपवाओ, और पार्क में अपने ज्ञान का परिचय दो। इसके साथ साथ अगर आप आरोग्य के ग्राहक बनाते हो और अपने शहर में किसी तरह आरोग्य के 100 पाठक तैयार कर लो, तो लोग चिकित्सा से परिचित हो जाएंगे और आपसी सेवाएं लेने आएंगे। लेखक बनना बहुत आसान है। आरोग्य के फाइलों का अध्ययन करो, कब्ज पे 5 लेख मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कभी किसी लेखक ने कब्ज पे अपने विचार रखे हैं, कभी किसी लेखक ने कब्ज पे विचार रखे हैं। अगर आप 10 साल की आरोग्य की फाइलें पढ़ते हैं, आपको 5 आर्टिकल कब्ज पे मिल जाएंगे। उन 5 आर्टिकल को पढ़ो, बंद करो और 1 आर्टिकल आपका तैयार हो जाए। आरोग्य आपका है, आप आरोग्य से जो भी विषय लेना चाहो ले सकते हो, कोई मेरा अधिकार नहीं है, अब आपका भी पूरी तरह अधिकार है। जो आप बात सिखाना चाहते हो, जो आप बात कराना चाहते हो, उसको खुद करना पड़ेगा, तभी आपकी भाषा में दम होगा। अगर आप नमक छोड़ सकते हो तभी दूसरों के नमक छुड़वा सकते हो, आप चाहे चीनी छोड़ सकते हो तभी चीनी खाने के लिए मना कर सकते हो। इसलिए अपनी आवाज़ में ताकत बनाए रखने के लिए, बढ़ाते रहने के लिए अपनी जीवन शैली को ठीक करो, अपने उत्तरोत्तर बढ़ो, आपकी भाषा में दम होगा और लोग आपकी भाषा से प्रभावित होंगे और प्राय चिकित्सा अपनाएंगे। लेकिन ये संभव नहीं है कि आप दूसरे रास्ते चलो, भाषा ये रखो और लोग प्रभावित हो जाएंगे, कभी नहीं होंगे। अभी आपको
प्राकृतिक चिकित्सा का आधार मिला है। 2 महीने में हमने बहुत कोशिश की, आपको बहुत तरह से बांधा, बहुत तरह से परीक्षाओं के बंधन में फंसा और आप पढ़ते रहे। क्लास में वस्तुनिष्ठ परीक्षा के नंबर बताने में मुझे हमेशा तकलीफ हुई, लेकिन मेरे पास कोई उपाय नहीं था कि मैं आपको पढ़ाऊं और पढ़ने के लिए बरबस लगाए रखूं। हो सकता है उसमें कभी किसी को अन्यथा लगा हो, लेकिन मजबूरी है मेरी उस व्यवस्था की। आप अभी आधार जान चुके हो, खूब पढ़ो। जो आपने प्राय चिकित्सा की पुस्तकें यहाँ पढ़ी हैं उसे बार बार पढ़ो, हैं, आप परिपक्व होगे और अच्छे प्राय चिकित्सक बनोगे, ऐसी मेरी शुभकामना है। आप उत्तरोत्तर आगे बढ़ो, आपका यश बढ़े, आप प्राय चिकित्सा जगत में जाने जाओ, ऐसी मेरी शुभकामना है। धन्यवाद।